हेलो दोस्तों, ये जियो फ़ोन 220 मॉडल है। ठीक है, आज इससे हम पीसी या लैपटॉप दोनों में, इस टाइम मेरे पास लैपटॉप है, इससे हम नेट चलाएंगे जियो फ़ोन से। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा फ़ोन के अंदर सेटिंग करना पड़ेगी, तो आइए सेटिंग करते हैं। हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में हमें स्टोरेज, USB स्टोरेज, ठीक है, इस पर ओके करके और इनेबल पर नहीं क्लिक करना है। ये मेरा डिसेबल पहले से है, डिसेबल पे ही ओके रखना है। ठीक है, फिर हमें बैक आ जाना है और हमारा डेटा पैक ऑफ होना चाहिए। ठीक है, डेटा ऑफ होना चाहिए, उसके बाद फ़ोन में कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हम पीसी पे आते हैं। पीसी में हमें एक ड्राइवर इंस्टॉल करना है, जो मैंने लिंक में नीचे दे दिया है, उससे डाउनलोड कर लें। ये क्वालकॉम का ड्राइवर है, इसको एक्टिवेट कर लें। ये ऑलरेडी एक्टिवेट है मेरे में। तो इंस्टॉल कर लें, मेरे में पहले से ही इंस्टॉल है ये। मैं फिर भी आपको दिखा दूँ, ऑलरेडी है मेरे में, पहले से इंस्टॉल कर रखा है मैंने। ठीक है दोस्तों, उसके पास हमें डिवाइस मैनेजर में जाना है। ये हमारी डिवाइस मैनेजर ओपन है और यहाँ पे देखो, इस टाइम कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आप विंडो 8, विंडो 10 में चला सकते हैं, बाकी मैंने 7 में देखा नहीं है करके। ठीक है, ये मेरा इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल करके फिर इसको फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट करना है दोस्तों। ठीक है, तो मैं लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ। ये मेरा डाटा केबल लगा भी है, ठीक है, कंप्यूटर में, और मैं इसको ठीक है दोस्तों, ये मैंने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा यहाँ पे क्वालकॉम का पोर्ट आ जाएगा, जैसे कि ये आ गया। ठीक है दोस्तों, 9092। ओके, यहाँ देखो दोस्तों, आप सर्च यहाँ भी कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये देखो दोस्तों, कॉलर टू नो सर्विस, अभी ये सर्च कर रहा है, ऑटो सर्च करेगा, हमें लगा देना है, 2 मिनट वेट करना है। ठीक है, ये देखो जियो 4G LTE कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अभी ये नेट पर आ जाएगा और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ये नेट पर आ गए। अभी से कनेक्ट रहने देना और हम अपना नेट ओपन करके देखते हैं क्या चल रहा है। देखो दोस्तों, खुल गया है गूगल क्रोम, यूट्यूब ओपन करते हैं। देखो दोस्तों, कोई भी वीडियो हम प्ले करेंगे आसानी से चलेगी।